2021 को लेकर कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस और एसओजी राजस्थान जयपुर ने निकाला है प्रेस नोट, यानी रीट 2021 है उसके विवाद है वो लगातार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि दिनांक 1 फरवरी यानी बिल्कुल अभी की न्यूज है, करंट आज ही प्रेस नोट जारी किया है महानिदेशक पुलिस एटीएस जयपुर ने, क्योंकि राजस्थान पत्रिका अखबार के अंदर ये खबर प्रकाशित हुई थी कि 5 करोड़ रुपए का पेपर है वो 45 करोड़ रुपए में, 5 करोड़ में खरीद कर 45 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी की गई थी, तो उस खबर के ऊपर ये एक्शन कार्यालय महानिदेशक पुलिस ने लिया है। तो ये रीट 2021 के लिए अच्छी खबर है कि जो अखबारों के अंदर कोल कल्पित बातें आ रही है उस पर ध्यान नहीं देते हुए रीट 2021 को सरकार ज्वाइनिंग देने की मूड में ऐसा नज़र आ रहा है। क्या है पूरी न्यूज़ जानते हैं। आप नई क्लासेज पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाएँ जिससे आपको ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ समय समय पर मिलती रहें, धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज दिनांक 1/2/2022 को राजस्थान पत्रिका की पृष्ठ संख्या 1 के कॉलम संख्या 2 और 5 पर प्रकाशित समाचार 45 करोड़ रुपए में बेचने की थी तैयारी, तथ्यहीन, कपोल कल्पित और अनुसंधान से परे हैं, यानी ये न्यूज़ बिल्कुल ही गलत है ऐसा पुलिस महानिदेशक जयपुर ने कहा है। रीट से संबंधित ये प्रकरण अत्यंत संवेदनशील है, यानी रीट के प्रकरण को हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक तरफ जहाँ इसके ऊपर नकल के आरोप आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार उसको सही ठहराने की कोशिश करके इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाना चाहती है। संवाददाता द्वारा बिना प्रमाणिकता के मनगढ़ समाचार लेकर आमजन में सनसनी पैदा करने का यह प्रयास किया गया है, ये इस बात से भी स्पष्ट है। संवाददाता द्वारा अपने समाचार में जगह जगह पुलिस मुख्यालय के मुताबिक और पुलिस मुख्यालय सूत्रों का हवाला दिया गया है, यदि कोई अधिकृत सूत्र होते तो स्पष्ट उसका संबंधित अधिकारी का नाम होता। यानी निदेशालय ने कहा है, पुलिस निदेशालय ने, कि यदि कोई सूत्र था तो उसका नाम क्यों नहीं लिखा, यानी ये कोल कल्पित है ऐसी कोई बात नहीं थी। अनुसंधान एजेंसी के नेतृत्व की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कोई तथ्य अनुसंधान में उजागर नहीं हुए हैं कि 45 करोड़ में पेपर बेचा गया था, ऐसे कोई भी बातें सामने नहीं आई है। 45 करोड़ रुपए के आसपास भी हो ऐसी कोई न्यूज नहीं है, साथ ही 280 से 300 अभ्यर्थियों की संख्या भी अनुसंधानित तथ्य में प्रमाणित नहीं है। पत्रिका ने लिखा था कि 280 से 300 अभ्यर्थी भी हैं वो भी पकड़ में आ रहे हैं, तो ऐसी भी कोई बात पुलिस महानिदेशक जयपुर ने कहा है कि उसके ध्यान में नहीं है। अपेक्षा की जाती है कि ऐसे संवेदनशील प्रकरण में समाचार लिखते समय सावधानी बरती जाएगी। तो ये राजस्थान पत्रिका को नोटिस जारी किया गया था, बिल्कुल आज ही किया गया है, अशोक राठौड़ अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस और एसओजी राजस्थान जयपुर के द्वारा। यानी रीट 2021 है उसको सरकार पूरी तरह से ज्वाइनिंग देने के मूड में है, तो जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनको निश्चिंत रहना है, जिन्होंने मेहनत से प्राप्त किए हैं वो तो, और किसी ने यदि नकल से प्राप्त किए हैं तो उसके तो भविष्य आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन रीट 2021 की ज्वाइनिंग है वो बिल्कुल समय पर मिलने वाली है, इसके लिए आपको पता ही होगा कि कमेटियां बननी शुरू हो गई है और आवेदन की ऑनलाइन जांच करने के साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट है उसकी भी ऑनलाइन जांच की तैयारी की जाएगी। जिस प्रकार से BSTC और PTET की ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, वैसे ही आपके रीट के डॉक्यूमेंट है वो भी ऑनलाइन चेक होंगे एक बार, इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखें और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट और सत्यता की खबर के साथ जुड़े रहने के लिए अनिल क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।